हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम आज की वीडियो में बताएंगे कि आप कैसे अपने मोबाइल से ही अपना रिज्यूम बना सकते हैं, जहां पर आप पूरा डिटेल देख सकते हैं कि आप कहां तक पढ़ाई किए हैं, किस क्लास में कितना अंक है। आपका पूरा डिटेल यहां पर शो करेगा, मेरिट अनमेरिट। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर रिज्यूम का ज़रूरत क्यों पड़ता है। अगर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हैं, चाहे कहीं का अप्लाई भी करते हैं जॉब के लिए, तो सबसे पहले आपको रिज्यूम वहाँ पर मांगा जाता है। अगर रिज्यूम आपका बढ़िया है, वहाँ पर आपको पूरा डिटेल दिखाया जाता है। अगर रिज्यूम आपका बढ़िया रहता है तो वहाँ पर आसानी से जॉब मिल जाता है। तो सबसे बड़ी स्किल है कि आप रिज्यूम कैसे बनाएं अपने मोबाइल से। आपको कहीं भी किसी के कंप्यूटर या साइबर कैफ पर नहीं जाना है आप रिज्यूम बनवाने के लिए। आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हैं, घर बैठे मात्र से 4 से 5 मिनट में आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, अलग अलग टाइप के रिज्यूम बनते हैं, प्रोफेशनल, मॉडर्न और भी अलग अलग बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ सिंपल दिखा देते हैं। ये देखिए, ये अलग सिंपल है। आप चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं कलर चेंज करके, और आप चाहते हैं तो एकदम सिंपल सादा ऐसे बना सकते हैं, जहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि आपका जो एजुकेशन लेवल है वो किस वर्ष में कितना परसेंटेज आया था। आप यहाँ पे शो करके आप अपना रिज्यूम दिखा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप कैसे बनाएंगे और अच्छी खासी जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं रिज्यूम दे के। रिज्यूम की मतलब ये होता है कि अगर आप कंपनी में गए कहीं, वहाँ पर जाने के बाद आपको कोई डिटेल नहीं मांगा जाता है, मतलब आपका कितने पढ़ाई किए हैं पूरा कागज नहीं मांगा जाता। बस जो HR डिपार्टमेंट है आपका रिज्यूम देखेगा और वहीं पर पूरा डिटेल रहता है, उसे मालूम चल जाता है कि सामने वाला बंदा कितना पढ़ा लिखा है और उसका स्किल कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर स्किल सिग्नेचर उसने सब आप अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप कैसे इसे बनाएंगे। अब आपको आ जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर आने के बाद आपको सर्च कर देना है रिज्यूम मेकर। रिज्यूम मेकर सर्च करेंगे तो यहाँ पर बहुत से रिज्यूम बनाने वाले ऐप आ जाएंगे, लेकिन इसमें सबको डाउनलोड नहीं करना है। देखिए आपको क्या करना है, पहले सभी ऐप का रिव्यू देख लेना है कि कौन सा कितने डाउनलोड हुआ है। देखिए 10 लाख डाउनलोड हुआ है, 1 लाख डाउनलोड हुआ है और 1 लाख, ये 50 लाख इतना डाउनलोड हुआ है। लेकिन इसका अभी नहीं दिखा रहा है क्योंकि हमारे में इंस्टॉल है, अभी इसको खोलेंगे तो देखेंगे। देखिए अब इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिए इसका डाउनलोड दिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए 1 करोड़ इसका डाउनलोड है, मतलब ये बेस्ट है रिज्यूम बनाने के लिए। आप कोई भी डाउनलोड कर लेंगे वहाँ पे दिक्कत होने लगती है, लेकिन इसे डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे पूरी फैसिलिटी मिलती है आपको सिग्नेचर अपलोड करने के लिए, और भी क्वालिफिकेशन जितना भी है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं आसानी से। इसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा और ओपन कर लीजिए। जैसे इसको ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस ऐसे आएगा। तो नीचे आप यहाँ पर देख पा लेंगे ऑप्शन शो कर रहा है यहाँ पर एक क्रिएट का है। तो इस क्रिएट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसे कि हमने यहाँ पे पहले से एक अपना रिज्यूम बनाया है वो आया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। लेकिन आपको नया बनाना तो इस पूरा ब्लैंकेट रहेगा, खाली रहेगा, कुछ नहीं शो करेगा। बस आपको यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे नीचे दिखाई देगा क्रिएट न्यू, तो इस प्लस वाले पर आपको क्लिक कर देना है। इसे प्लस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल में आ जाएंगे। प्रोफाइल में देखिए और आपको यहाँ पे अपना पूरा डिटेल भरना है, जैसे कि आपको पर्सनल डिटेल भरना है, एजुकेशन भरना है, एक्सपीरियंस भरना है। हम आपको यहाँ पे सब बताएंगे लेकिन एक बार बता देते हैं। एक्सपीरियंस भरना है, स्किल क्या है वो भरना है, ऑब्जेक्टिव क्या है, रेफरेंस क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, उसके बाद यहाँ पे कवर भर सकते हैं, मतलब पूरा डिटेल। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं। यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देते हैं। पर्सनल डिटेल पे अब आपको यहाँ पे अपना क्या भरना है, नाम भरना है, जो आपका नाम है वो भर देना है। और अगर हेल्प चाहिए तो यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगा कि कैसे भरना है। यहाँ पे नाम भरेंगे, उसके बाद अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देना है, उसके बाद ईमेल आईडी भर देना है, और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देना है 10 अंकों का। इतना भरने के बाद यहाँ पे अपना फ़ोटो आप अपलोड कर दीजिएगा, मतलब बढ़िया फ़ोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, वो अपलोड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कर लेना है सेव वाले बटन पर सेव कर लें। और फोटो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे चेंज कर देंगे, और हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिमूव पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। इतना सब भरने के बाद अब आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, बाकी और सब भरना है, तो फिर से आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर क्या क्या भरना है उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी वो भर देना है, नेशनलिटी भर देना है, मेरिट स्टेटस भर देना है, अगर आपका फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर या जो भी आपके पास अगर है उसका आईडी आप भरना चाहते हो वो भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जेंडर भर देना है, अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप भर सकते हैं, और प्लेस भरना चाहते हैं तो प्लेस भर दीजिए। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का सिग्नेचर आ गया। फिर से अगर मान लीजिए हम भरना चाहते हैं मेरिटल स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेरिटल स्टेटस आ गया। यहाँ पर आप सिंगल हैं या मेरिड हैं
वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर से आप अनेकों सेक्शन यहाँ से आप वहाँ पर लगा सकते हैं, सैलरी क्लेम प्लेस ये सब, आप ड्राइविंग लाइसेंस ये सब आप वहाँ पर क्लिक करके आप भर सकते हैं। तो इतना भर ये सब भरने के बाद अब आपको कर देना है पर्सनल डिटेल आपका पूरा यहाँ पर भर गया, उसके बाद कर देना है सेव। सेव करने के बाद फिर से अब आ जाएंगे, ये तो पर्सनल हो गया, अब एजुकेशन में आ जाएंगे। एजुकेशन में आ जाने के बाद यहाँ पे एजुकेशन हो गया, यहाँ पे एग्जांपल आप ले सकते हैं। एजुकेशन आ गए, अब आपको यहाँ पे ऐड वाले बटन पर क्लिक कर लेना है। ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो अब आपको यहाँ पे भरना है अपना डिटेल, मतलब कौन सा कोर्स किए हैं। जैसे 10वीं पास हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हाई स्कूल, और यूनिवर्सिटी भरेंगे जो भी आपका यूनिवर्सिटी है, यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड वो भर देना है। यहाँ पे स्कोर भरेंगे या ग्रेड, तो यहाँ पे परसेंटेज जो आपका है वो भर देना है, और यहाँ पे किस साल में हाई स्कूल पास आउट हुए हैं वो आपको भर देना है, और यहाँ पे कर देना है सेव। सेव करने के बाद एक एजुकेशन हो गया, अब आपको फिर से ऐड कर देना है, मतलब दूसरा एजुकेशन भरना चाहते हैं जैसे इंटरमीडिएट का, यहाँ पे एजुकेशन टू, फिर से वही इंटरमीडिएट भरेंगे, अपना बोर्ड भरेंगे कितना परसेंटेज है वो भरेंगे और ईयर भरेंगे। और मान लीजिए इंटरमीडिएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, फिर से आपको ऐड पर क्लिक करना है। पहले आपको सेव कर लेना और उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो तीसरा एजुकेशन भरने के लिए आएगा। हम ऐड पर क्लिक कर दिए, यहाँ पे देखिए फिर से तीसरा एजुकेशन भरने के लिए आ गया, मतलब आपको यहाँ एजुकेशन पूरा डिटेल भरना है। अगर कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सेव करने के बाद आपका दो डिटेल हो गया, पर्सनल और एजुकेशन। अब बचता है एक्सपीरियंस, इस एक्सपीरियंस वाले पर आपको क्लिक कर लेना है। एक्सपीरियंस पे जैसे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा यहाँ पे एक्सपीरियंस। यहाँ पे चलिए एग्जांपल आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल में भर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में है, वो आपको भर देना है। चलिए हम आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक करते हैं, एक्सपीरियंस में आकर ऐड पर, तो देखिए यहाँ पर आपको कंपनी का नाम भरना है कि आप किस कंपनी में जॉब किए हैं, उसके बाद आपका जो भी जॉब का टाइटल है वो भरना है, कब से चालू किए हैं और कितने मतलब काम किए हैं वो, लास्ट डेट और स्टार्टिंग डेट भरना है, और यहाँ पे अपना डिटेल भरना है कि क्या क्या उसमें करते थे, उसके बाद सेव कर देना। अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो इसको आपको छोड़ देना है, सिर्फ आपको इसे कहीं टच नहीं करना है। उसके बाद स्किल में आ जाएंगे, स्किल में आने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना स्किल भरना है। स्किल का मतलब ये हुआ कि आप क्या करते हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं या एक्सेल में एक्सपर्ट हैं चाहे टैली में एक्सपर्ट है, वो आपको स्किल यहाँ पर भर देना है, और यहाँ पर लेबर भर देना है। लेबर का मतलब ये होता है कि आप कितने मतलब ग्रेड में है, क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल पर आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप टैली में ले लेते हैं, तो टैली में लेवल वन और टू पे आप बिगनर हैं, मतलब लेवल वन भरेंगे या टू भरेंगे तो वहाँ पे समझ लीजिए आप अभी बिगनर हैं। अगर लेवल थ्री सेलेक्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट हैं। अगर आप ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा टैली के बारे में जानते हैं तो एडवांस पर क्लिक करेंगे, और एक्सपर्ट है टैली में तो लेवल फाइव पर क्लिक करेंगे। तो ये लेवल का एग्जाम्पल होता है, तो लेवल ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। इतना भरने के बाद ऑब्जेक्टिव भरना है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपका उद्देश्य क्या है। जैसे कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव नहीं समझ में आता है कैसे भरें, तो आपको एग्जांपल पर क्लिक करना है। एग्जांपल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा। जब सबसे बेस्ट ऑब्जेक्टिव ये होता है, इसे आप रख दीजिएगा और नहीं समझ में आएगा। और बाकी अगर जानते हैं तो नीचे यहाँ पे बहुत से ऑब्जेक्टिव है, उसे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे चला जाएगा। जैसे हमने इसे सेलेक्ट कर लिया, देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आ गया, अब इसे कर देंगे सेव। रिफरेंस में आ जाएंगे, तो अगर आप फ्रेशर हैं नया है तो रिफरेंस आपको छोड़ देना है। उसके बाद आपको आ जाना है नीचे, तो यहाँ पे एक और अपलोड करने के लिए आता है, तो यहाँ पे देखिए एक जरूरी होता है यहाँ पे अपलोड करना आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर वाले जो शो कर रहा है इसे आप इन ऑन कर दीजिए। जैसे यहाँ पर ऑन करेंगे सिग्नेचर पर ऑन हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। अगर यहाँ पर आप साइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे साइन कर सकते हैं। अगर आप साइन पहले से फोटो खींचे हैं तो उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे साइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप साइन कर सकते हैं, जो भी आपका है वो आप साइन कर सकते हैं, और यहाँ पर सेव कर सकेंगे तो सेव हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखना चाहते हैं प्रीव्यू, यहाँ पर आपको व्यू सीवी पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू सीवी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कई से ऑप्शन कि आप किस टाइप का सीवी सेव करना चाहते हैं, ऑल या प्रोफेशनल या मॉडर्न। जैसे मान लीजिए हम प्रोफेशनल में सेव करना चाहते हैं तो यही से पेज आ जाएगा, आप जैसे सेलेक्ट करेंगे वैसे पेज आ जाएगा। और मॉडर्न में आते हैं तो यहाँ फोटो के साथ आ जाएगा, यहाँ पे बहुत से सीवी आ जाएंगे, उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अच्छा लगे और बढ़िया लगे। जैसे कि हमने इसे हम मान लेते हैं हमको बढ़िया लग रहा है तो हम इसे ही सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे सेलेक्ट करेंगे तो आ जाएगा, यहाँ पे पूरा आ गया। अब देखिए यहाँ पूरा आ गया आपका डिटेल, अब यहाँ से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ के रूप में डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ से कर लेंगे व्यू पर क्लिक,
जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आ जाएगा कि सर में कितना परसेंटेज है और क्या क्या किए हैं, आईटीआई किए हैं या डिप्लोमा किए हैं, जो भी किए हैं वो आपका यहाँ पे आ जाएगा और आपका बर्थ ऑफ सर्टिफिकेट पूरा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, फोटो भी आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे आप अपना रिज्यूम बना सकते हैं, प्रोफेशनल रिज्यूम। जानकारी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।